नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन 2B वर्सेस रियलमी नाजो 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6.47 इंच जबकि नाजो 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 2.98 इंच जबकि नाजो 50A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 0.34 इंच जबकि नाजो 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि माइक्रो मैक्स इन 2B से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 190 ग्राम जबकि नाजो 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि माइक्रो मैक्स इन 2B से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6.52 इंचेस जबकि नाजो 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो माइक्रो मैक्स इन 2B में 82.63% जबकि नाजो 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि नाजो 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और नाजो 50A की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नाजो 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और नाजो 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में माली G52 जबकि नाजो 50A में माली G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में यूनिसॉक T610 और नाजो 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें रैम की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 6GB की रैम मिलती है, जबकि नाजो 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो माइक्रो मैक्स इन 2B में 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि नाजो 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी माइक्रो मैक्स इन 2B में 5000mAh जबकि नाजो 50A में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो माइक्रो मैक्स इन 2B में 3 कलर्स जबकि नाजो 50A में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो माइक्रो मैक्स इन 2B में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 50A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹11,499, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹12,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रोमैक्स इन 2B में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी नाजो 50A की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में नाजो 50A आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में माइक्रोमैक्स इन 2B आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, दूसरा Moto E40 है, तीसरा Poco C31 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo 30A है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।